आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी चीज को हम ट्रेस कैसे करते हैं। जैसे कि अभी ये मेरे पास ये डिजाइन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिजाइन को देखेंगे कि डिजाइन में क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही चीज बनाने के बाद उसी की कॉपी लगी हुई है, या उसको पूरे को ट्रेस करना पड़ेगा। 80% ऐसा होता है कि हमारी चीजों को एक चीज को बनाना पड़ता है हमें, उसके बाद उसी की कॉपी नीचे लेफ्ट राइट में ऐसे रख के बनाया जाता है। जैसे कि अभी ये है सपोज दैट, तो मैं इसको देखूंगा कि इसमें क्या चीज़ है, जैसे मैं बनाऊँ तो एकदम इक्वल बैठ जाए। जैसे कि अभी मैं एक इतना पार्ट इसका बना लूँगा, इतना पार्ट इसका ट्रेस कर लूँगा, तो मैं इतने पार्ट को ही नीचे कॉपी करके और लेफ्ट में कॉपी करके पूरा फ्रेम बन जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ये कहा इतने पार्ट को बना लिया, ने पार्ट को बनाया, पहले मैंने इसको फिर नीचे कॉपी करा, उसके बाद दोनों को लेफ्ट में कॉपी कर दिया। ये देखिए ये वही सेम बन गया। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपको देखना पड़ेगा पहले डिज़ाइन में कि क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉपी करने की कॉपी करके पूरा बन जाएगा, फिर हमने पूरा ट्रेस करना है, तो उसका ध्यान रखें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक F5 से लाइन ले लेंगे, फाइव से लाइन लेके इसको इसके सिलेक्ट करके दोनों के साथ इसी कर देंगे। एक और F5 से इसी को कॉपी कर लेंगे, फ्रंट पॉड के साथ 90 डिग्री पे कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हम इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक ये देखेंगे कि इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो फोटो में फर्क है थोड़ा सा, ये देखिए ये कर लिया मैंने फोटो को इसको सेलेक्ट करके, थर्ड वाले से ऑप्शन से फोटो को काट लिया मैंने। मैं फोटो को बाहर उठा के रखूंगा। मुझे इतना पार्ट इसका ट्रेस करना है, बाकी का अपना मतलब पूरा इसको कॉपी करके बना लेना है। तो सबसे पहले मैं पेन लूंगा, पेन से मैं इसका एक बाहर वाला पार्ट बनाऊंगा पहले। ये इसको क्या करना है, क्लिक करके इसको दबा के रखना है लेफ्ट बटन को, और फिर इसके पॉइंट पे हमें ALT के साथ क्लिक करना है लेफ्ट। सेम यहाँ करना है, यहाँ भी दबा के रखना है, जैसी कर्व हो जाए जितना आपको चाहिए उसके बाद छोड़ देना है। तो उसके बाद छोड़ेंगे हमारा ये लाइन जो है कर्व में, ये देखिए ये वाला जो दिख रहा है। अब इसको हम सीधी स्ट्रेट करने के लिए इस पॉइंट पर आएंगे, ALT के साथ इसको क्लिक कर देंगे लेफ्ट क्लिक पॉइंट पे। सेम आगे बढ़ेंगे, सेम प्रोसेस सब वही चल रहा है। इसका एक तो तरीका ये होता है, हमारा कुछ हो जाता है जैसे कि इनकेस हमारा टूल छूट गया तब कैसे करें, तो पेन ले लेंगे हम, पेन लेने के बाद कंट्रोल जेड करेंगे वहीं से आ जाता है। उसके बाद ALT दबा के इस पर क्लिक करके कर्व हो गया, यहाँ से हल्का सा कर्व ये इसको कर्व करके। एक तो तरीका इसका ये होता है कि मैं साथ के साथ कर्व कर रहा हूँ, एक होता है मैं सीधी पेन से स्ट्रेट लाइन करके उसके बाद उसको लाइनों को कर्व करूँ, तो बात दोनों ही सेम होती है, बस थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है अगर आपका टाइम का। इसके अंदर का पार्ट को वो करूंगा ट्रेस स्ट्रेट लाइन, उसके बाद कर्व, यहाँ से भी कर्व है। एक तो अभी मैं इसको मतलब बना लूंगा, उसके बाद देखूंगा इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं से कर्व कम है या कोना बन रहा है जहाँ से कर्व होना था, तो मैं उसको अभी आपको दिखाता हूँ कैसे उसको ठीक करते हैं। यहाँ से 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट ले लूंगा, ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको पेज डाउन कर दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, उसको बाहर निकाल लूंगा,
एक रह गया गोला, तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा गोला बनाऊंगा और इसका हाफ पॉइंट बिल्कुल ये क्रॉस पॉइंट लाइन पर रख के मैं कलर करूँगा। फेस डाउन करूँगा उसको, सिर्फ फेस डाउन मैं क्या करूँगा, इसकी जो फोटो है फोटो को बाहर निकाल लूंगा, सिर्फ फेस डाउन मैं इसको फोटो को सिलेक्ट करके ज्वाइंट कर दूंगा। और इसमें अब देखूंगा कि कहाँ कोई कॉर्नर बनना है, उसको कर्व करना है मुझे, एक किसको कर्व है उसको कॉर्नर बनाना है। जैसे कि अभी यहाँ से डबल क्लिक करके ये डॉटेड आ गए, तो मैं इसको पहले इसको डिलीट कर दूंगा डॉट को। एक मुझे यहाँ भी डॉट लग रहा है, कौन बना है, ये भी कर्व हो गया, जैसे कि ये है ये भी कर्व हो गया। ये पॉइंट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर मैं पॉइंट ना दूंगा तो शेप बदल जाती है कभी कभी डिजाइन की। जैसे इसकी शेप सी बदल गई है, मैं एक पॉइंट देके यहाँ से डिलीट करूँगा और ये भी डिलीट करूँगा। अभी हमारा लगभग पूरा हो गया। अब मैं देखूंगा कि मुझे इसके अंदर इक्वल है कि नहीं है F5 से। पहले मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, बॉक्स बना के इसमें देखूंगा कि मुझे जो चाहिए, जितना बॉर्डर चाहिए मुझे यहाँ से उतना इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि अभी हमारा यहाँ से आ रहा है 0.612, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको तोड़ दूंगा मैं और इसको सिलेक्ट करके इसके बिल्कुल टॉप पर रख दूंगा। यहाँ से ये लाइन सीधी नहीं है क्योंकि यहाँ से बिल्कुल मिल गई है और यहाँ से अंदर जा रही है थोड़ी, तो डबल क्लिक करके इस पॉइंट को बिल्कुल लाइन पर रख दूंगा। ठीक है, वैसे ही इस बॉक्स को 90 डिग्री को करके कॉपी, उसके बाद यहाँ पर मिला दूंगा। उसको बिल्कुल 90 डिग्री पर रखूंगा इस लाइन पे, डबल क्लिक करके लाइन को इसको बिल्कुल यहाँ रखूंगा। उसकी शेप बदल गई, तो मैं क्या करूँगा, ये लगभग ये वाला और ये वाला ही तीनों सेम है, तो मैं एक ही को बना के इसी को नीचे ले आऊंगा, क्लिक करके 90 डिग्री पे कॉपी कर लूंगा इसको कोर के साथ। मैंने इसका कलर चेंज कर लिया जिससे कि मैं इसको कलर को अलग ले जाए, इसको मैं साइज थोड़ा छोटा कर लूंगा लाइन पर, इसको ब्लेड सैम इसके नीचे कॉपी कर लूंगा, अभी लाइन पर रख के इसको डिलीट मार दूंगा। मेरा इधर का अंदर का बॉर्डर बराबर आ गया। अब मैं एक बॉर्डर जितना अंदर की तरफ से उतना ही बाहर की तरफ दे दूंगा कॉपी करके, इसको कॉपी यहाँ पेस्ट और इसको बॉर्डर दे दूंगा ये भी। अब जितने भी डिजाइन इस बॉर्डर के अंदर अंदर रखूँगा, इससे फायदा हमारा ये होगा कि हमारा दोनों तरफ का बॉर्डर इक्वल आ जाएगा। ये भी अंदर हो गया।
इसको इसको इक्वली कर दूँगा टॉप में ला के। अब क्या करूँगा, पूरे को सिलेक्ट करके एक बार नीचे की तरफ कॉपी मार दूँगा और इसको एक बार वर्ल्ड करके इसको भी वर्ल्ड, और अब इसको एक लेफ्ट में कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके पहले इसको कर लिया, फिर अपने चारों को करके वर्ल्ड कर लूँगा। पॉइंट आ रहा है, इसको डिलीट मार दूँगा डबल क्लिक करके सेम नीचे, इसको भी डिलीट, पूरे को सिलेक्ट करके जॉइंट मार के इसको कर लूँगा। ये हमारा फ्रेम तैयार है। अब इसको या तो इसमें यूज़ कर लें फोटो फ्रेम में, मिरर फ्रेम में। अब हमारा दोनों तरफ का बॉर्डर बराबर है। तो वीडियो में कोई कमी हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें। थैंक यू।